इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 7 अक्टूबर के तड़के सुबह हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में एक साथ 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। किसी को भी इस बात का गुमान तक नहीं था कि हमास इजराइल पर इस तरह से हमला कर सकता है। हमास के इस हमले में 300 इजरायली सैनिकों समेत करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी। हमास ने 240 इजरायली नागरिकों को अब भी बंधक बनाया हुआ है। हमास के हमले के जवाब में इजरायल ने भी गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए। हालात इतने बिगड़े कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम तक खा ली। इजरायल गाजा पर लगातार बमबारी और जमीनी कार्रवाई कर रहा है। इजरायली हमलों में करीब 15,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अमेरिका समेत मुस्लिम देश इजरायल से सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल और हमास जंग में गाजा पट्टी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल ये वही जगह है जहां पर हमास ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। इजरायल के तेज हमलों ने अब हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ दी है। आतंकियों के कई लीडरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और ज्यादातर ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं। हालांकि अभी भी गाजा की घनी आबादी इजरायली सैनिकों के आड़े आ रही है। हमास के आतंकी इसी आबादी की आड़ लेकर इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना को पता है कि हमास के आतंकी आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना सकते हैं। यही वजह है कि गाजा में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि इजरायल अगर जंग जीत जाता है तो वो गाजा में रहने वाले लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा और इस पूरे इलाके का क्या होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के लड़ाकों से जंग जीतने के बाद गाजा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमेशा के लिए इजरायल की होगी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा को इजरायली सेना अपने कब्जे में ले लेगी। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि इजरायल अब गाजा पट्टी में भी अपना प्रशासनिक दबदबा रखना चाहता है। इजरायल नहीं चाहता कि गाजा से फिर कोई आतंकी गुट पनपे। अगर इजरायल जंग जीत जाता है तो गाजा के 41 किलोमीटर के दायरे में इजरायली हुकूमत का कंट्रोल होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।